ईडी इलेक्ट्रिकल साइड से सभी ने आपके यहाँ का इंस्पेक्शन किया, डीएफसी सीआईएल के कॉन्ट्रैक्टर की सारी प्रिपेयरनेस देखी, उन्होंने ओके किया, छोटे मोटे उन्होंने सजेशन भी दिए, उसके बाद सबको इनकॉर्पोरेट करते हुए हमने फाइनली 15 तारीख से 15th of April ये डिसमेंटलिंग का सक्सेसफुली काम किया। इंजीनियर्स और अधिकारियों ने पूरी प्लानिंग की और सबसे बेहतर तकनीक का इस्तेमाल किया गया। पूरे ब्रिज को कम से कम टुकड़ों में काटा जाए ताकि रेलवे लाइन को कोई नुकसान न पहुंचे। इसके लिए 250 मैट्रिक टन की दो क्रेनें, 400 टन की हाइड्रोलिक क्रेन, डायमंड वायर कटिंग मशीन, ड्राई फ्लोर सॉ कटिंग मशीन जैसी आधुनिक तकनीक की मशीनों का इस्तेमाल दूसरी मशीनों के साथ साथ किया गया ताकि कम से कम और तय समय में काम को किया जा सके। ये डीएफसीसी का काम है जिसका हम लोग एग्जीक्यूटिंग एजेंसी हैं। यहाँ पे एक नया आरओबी बनाया गया है और ये पुराने आरओबी को तोड़ा जा रहा है। इसको चैलेंज ये था कि ये नया आरओबी कुछ ओवरलैप हो रहा था कुछ एरिया में, जिसको नई टेक्नोलॉजी लगा के बनाया गया, ट्रैफिक चालू रहते हुए एक दिन भी ट्रैफिक रोका नहीं गया। अब इसको डिसमेंटल करना एक नई चैलेंज था क्योंकि ये चलती रेलवे लाइन है और हावड़ा दिल्ली का लाइन है, काफ़ी बिजी रहता है, ब्लॉक यहाँ पे 2 घंटे 4 घंटे से ज़्यादा नहीं मिल सकते थे, इसलिए मशीनें बाहर से मंगवाई गई। इसमें 3 क्रेन मंगवाए गए हैं और ये एक साथ एक स्पैन को उठाने के लिए सफिशियंट है, लेकिन फिर भी सेफ्टी के तौर पे डीएफसीसी और जो कंसल्टेंट हैं एक स्मेक इंडिया, उन लोगों के सुपरविजन में इनको कटवाया गया। इस पूरे ब्रिज में जो पिलर रेलवे लाइन के अंदर आ रहे थे वो पिलर नंबर 11, 12 और 13 रेलवे लाइन पर थे और 10 नंबर पिलर डीएफसीसीआई की लाइन के करीब था। इंजीनियर्स की टीम ने प्लानिंग के साथ और उत्तर पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों से बात करके ब्लॉक लिया था, उसी में काम पूरा करने के लिए 7 दिन समय दिया गया। सर, इसको जो आरओबी जैसे आईआर का रेलवे का ट्रैक है उसके ऊपर जो पुराना आरओबी बना हुआ था वो कमज़ोर हो गया था, उसको तोड़ना, उसको कटिंग करके लिफ्ट करके साइड में उठा के फिर उसको तोड़ना था। पहले उसको फ्लोर सा से ऊपर से कटिंग कर लिया, फिर उसमें हॉल करके क्रेन से उठा के नीचे साइड में रख दिया। यहाँ काम करने के लिए जो चैलेंज था, कम से कम 300 ट्रेन के करीब रोज निकलता है यहाँ से, उनका ट्रेन को भी देखना था। ऊपर उसके वायर है जिसमें करंट चलता है 33 RKV का हर टाइम।